नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार यानी आज अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा की। बाकी के बचे प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान 10 फरवरी को है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि क्योंकि वे पार्टी का काम देख रही हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रही। मायावती ने कहा कि बसपा गरीब पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, हम हर वर्ग की भलाई के लिए काम करेंगे। अपने जन्मदिन पर मायावती ने कहा कि अगर 2007 की तरह इस बार भी हमारी सरकार बनती है तो यही मेरे जन्मदिन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले चरण की 5 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। बसपा 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।